नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जिसके आवेदन करने की डेट 14 दिसंबर है। तो कल से ये फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे साथियों। तो इस खबर को हम डिटेल में जानते हैं, परीक्षा की डेट क्या रहेगी, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। संपूर्ण खबर को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। साथियों चलिए अब हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, सरकारी स्कूल में 5000 प्राथमिक शिक्षक की होना है भर्ती। कल से भरे जाएंगे फॉर्म पर और जो परीक्षा होगी वो 5 मार्च से होगी। ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है इसे हम डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, लेकिन इस खबर को पहले हम रीड करते हैं। तो पीयूबी को पिछले साल भेजा गया था प्रस्ताव, वहीं सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर्स के 5000 पद खाली है। वहीं विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा से भरेगा। वहीं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इसके लिए मार्च में परीक्षा कराएगा। परीक्षा में फॉर्म 14 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे, इसकी पुष्टि लोक शिक्षण संचालनालय के अफसरों ने की है। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के 5000 पद खाली हैं। वहीं भर्ती का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते साल भेज दिया था। वहीं पीवी अफसरों ने बताया है कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 5 मार्च को होगी। यह परीक्षा प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए फॉर्म भरने की लिंक दोबारा ओपन कर दी है। तो साथियों, जैसा कि इसमें बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले पिछली वर्ष भी फॉर्म भरे गए थे और वह साथी अब फॉर्म भरने की उनके लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे साथी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, किसी कारण से छूट गया था उनका, तो वो अब फॉर्म भर सकता है। साथ में बीएड वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने वर्ग एक और वर्ग दो यानी उच्च माध्यमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का टेस्ट क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो वह अब प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 16 शहरों में होगी इसकी परीक्षा। इसके परीक्षा फॉर्म भरने की लिंक दोबारा ओपन होगी। इन नए उम्मीदवारों में 14 से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो साथियों, फॉर्म भरने का जो डेट है वो 14 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी और 28 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में जबकि 2 जनवरी तक फॉर्म भरने में सुधार किया जाएगा। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसमें सुधार करने की जो डेट है लास्ट वो 2 जनवरी तक रहेगी। लोक शिक्षण संचालनालय के अफसरों ने बताया है कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड हुए उम्मीदवार ही स्कूल में शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो उसमें जो परीक्षा होगी 5 मार्च को, उसमें क्वालिफाइड करने के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। जिनके फॉर्म भर चुके हैं उन्हें फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि पीयूबी के अफसरों ने बताया है कि परीक्षा अप्रैल 2020 में होना थी, इसके लिए फॉर्म पहले से ही प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोविड के कारण यह टल गया था। अफसरों ने बताया कि जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भर पाए उन्हें फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उन्हें फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा अब हो रही है मार्च में 5 मार्च को। तो ऐसे बहुत सारे साथी छूट गए हैं जिन्होंने परीक्षा का फॉर्म आवेदन नहीं कर पाया था, तो वो अब आवेदन कर सकते हैं 14 से 5 सितंबर। साथियों, यहां पर हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पर प्राथमिक शिक्षा भर्ती से रिलेटेड मॉक टेस्ट पेपर आने वाले हैं और इसकी तैयारी हम करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शिक्षा विभाग से